कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? I understand. Then remember what I taught you, Khaled. साल 1947, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का दिन। इस समय तक मुस्लिम नेशनलिज्म अपने चरम पर था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप में मुस्लिम एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। नतीजन हिंदू और मुस्लिम में कई राइट्स हुए। इन राइट्स को देखते हुए दो देशों के निर्माण की बात हुई, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपनी आर्मी को वापस बुलाना पड़ा और जम्मू एंड कश्मीर पर LOC का निर्माण हुआ। और कुछ इस तरह इंडियन आर्मी और जनरल करियप्पा के साहस के कारण कश्मीर को बचा लिया गया। इंडियन आर्मी के पहाड़ी इलाकों पर लड़ने की तकनीक और कश्मीर के दुर्गम इलाके में लड़ने की तकनीक को आज भी याद किया जाता है, जो कि इस जंग को जीतने में अहम रोल अदा करती है। जब सड़कें और रास्ते भी नहीं थे, जहां रहना भरी मुश्किल था, वहां पर न सिर्फ इंडियन आर्मी ने लड़ाई की बल्कि पहाड़ों में छिपे अपने दुश्मनों को भी खदेड़ भगाया। इस मिशन को आज हम मिशन बाइसन के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसी ही कहानी होगी वॉर 2 की, जहां वॉर जैसे सिचुएशन को डिफ्यूज करने और इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम के साथ मिलकर कैसे हमारे सुपर हीरोज वर्ल्ड पीस को वापस एस्टैब्लिश करते हैं, ये दिखाया जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंडियन स्पाई की कहानी को जल्द ही मेकर्स बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म पर काम होना भी शुरू हो चुका है और खबरें हैं कि अगले साल ये फिल्म यानी कि वॉर 2 बड़े पर्दे पर रिलीज हो जाएगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भी बनना चाहते हैं जासूस, क्या आपको भी पसंद है जासूसी फिल्में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।